हे गाइस, मैं हूँ दिव्या एंड वेलकम बैक टू बेसिक विद दिव्या। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मस्त हो, मज़े में हो और अपने अपने घरों में स्वस्थ हो। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो विच इज़ फ्रॉम मिंत्रा। आप बोलोगे फिर से मिंत्रा लेकर आ गई, बट आपको सजेस्ट करो मैं किस ब्रांड का लेकर आऊँ। एंड मैंने आज मिंत्रा से मंगवाया कुछ इंडो वेस्टर्न ड्रेस, लाइक रेडी टू वेयर साड़ी एंड सम सरारा एंड शॉर्ट कुर्ती एंड मैक्सी ड्रेस। ये सब काइंड ऑफ ड्रेस मैंने मंगवाया है। सारे के सारे ड्रेस आपका पार्टी एप्रोप्रिएट है एंड फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी आप पहन सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का हॉल वीडियो आपको कैसा लगा। तो विदाउट एनी फर्दर रिलेटेड जंप इन टू द वीडियो। स्टार्ट करती हूँ गाइस प्रॉपर कलर का साड़ी से। ये रेडी टू वेयर साड़ी एंड दिस वन इज फ्रॉम रंग बाई इंडिया। तो ये आपका दिखाते किस तरह का साड़ी आएगा। सॉलिड पर्पल कलर में आएगा, इसमें कोई भी वर्क नहीं है। तो आपका इस तरह का ये साड़ी आएगा। यहाँ पे आपका फ्रंट में प्लीट्स बना हुआ है साड़ी में एंड आपका वेस्ट, इसका आपके वेस्ट के अकॉर्डिंग इसका साइज आपको लेना पड़ेगा। मैंने इसका स्मॉल लिया था एंड मुझे इसका वेस्ट परफेक्ट आया। एंड यहाँ पे आपका ये हुक दिया हुआ है, चैन दिया हुआ है आपके वेस्ट पे लगाने के लिए, साइड में जाएगा ये चीज़। एंड आपको फिर इसको ड्रेप करके इस तरह से साड़ी की तरह इसको लेकर आना पड़ेगा अपने शोल्डर पे पल्ला डालने के लिए। तो आपको इसका पल्ला, आपको प्लेट्स, इसका फ्लोई प्लेट्स आएगा, तो आपको वो चीज़ आपको बनाना पड़ेगा। तो गाइस ये साड़ी बहुत ही प्यारा लग रहा था पहना हुआ एंड इसके साथ ब्लाउज पीस नहीं आएगा, ना ही ब्लाउज आएगा। तो आपको इसको अपने अकॉर्डिंग मिक्स एंड मैच करके पहनना पड़ेगा। लाइक मैंने इसके साथ एक वेस्ट कलर का ब्लाउज पहना था जो मैंने आज से 5 साल पहले लिया था स्टॉक बाई लव से। अब आई थिंक वो एप्लीकेशन ही बंद हो गया स्टॉक बाई लव, लेकिन उसमें मुझे बहुत रिजनेबल रेट में बहुत ही अच्छा ब्लाउज मिल गया जो मेरे मोस्टली बहुत सारे साड़ीज़ के साथ चली जाती है। तो आप भी इसके साथ कुछ मिक्स करके पहन सकते हो, कुछ व्हाइट में पहन सकते हो, अभी कुछ ब्लैक में भी ले सकते हो, या फिर सेम कलर्स का भी ले सकते हो, या फिर जैसे मैंने पेयरअप किया वेज कलर के साथ आप वैसे भी पेयरअप कर सकते हो। बहुत ही प्यारा लगेगा आप इसे राखी में, या फिर आपके घर में कोई फंक्शन है आप उसमें भी पहन सकते हो, या फिर दिवाली के पर्पज से लेना चाहते हो, दुर्गा पूजा के पर्पज से लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रहा था पहना हुआ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट गाइस ये ग्रीन कलर का साड़ी एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम रंग बाई इंडिया। तो ये भी आपका रेडी टू ड्रेप साड़ी है। तो आपका यहाँ पे इस तरह से, आई मीन रेडी टू वियर साड़ी, तो इस तरह से प्लीट्स बना हुआ है पूरा एंड जैसा मैंने आपको पर्पल वाले में बताया था उसी हिसाब से उसको भी पहनना है। एंड इसका वेस्ट आपको अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। जब भी शॉपिंग करोगे तब अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग इसे लेना। एंड ये आपका इसका पल्ला आएगा जो कि फ्रिल पल्ला है, इस तरह का फ्रिल शेप में आएगा। एंड इसका भी आपको प्लीट्स बनाना पड़ेगा जब आप पहनोगे। तो आपका गाइस ये साड़ी भी पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे पास इससे मैच करता हुआ कोई मुझे ब्लाउज नहीं मिला, आई मीन जैसे इसमें मॉडल ने पहना सिक्वेंस का ब्लाउज ग्रीन कलर में, बट मुझे कुछ उस टाइप का मिला नहीं कि मैं कुछ ग्रीन कलर में पहन लूँ। तो मैंने इसके साथ अपने एक सिल्क का साड़ी का ब्लाउज पहन लिया मरून कलर का, कुछ कॉन्ट्रास्ट करने के लिए। तो वो भी मुझे तो अच्छा लग रहा था, बाकी आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। एंड इसका इस साड़ी का मटेरियल आपका सिल्क है, तो इसलिए मैंने इसका सिल्क का ब्लाउज पेयरअप किया था। एंड मैं आपको पर्पल वाला का मटेरियल बताना भूल गई थी। उसका मटेरियल पॉली जॉर्जेट था एंड उसका प्राइस 3000 था, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। एंड इसका प्राइस आपका 3600 है। एंड इसमें जो स्मॉल साइज़ मैंने लिया है, इसका बस्ट साइज़ आपका 36 दिया हुआ था। तो मैंने ऐसे, मैं एक बार आपको देख कर बता देती हूँ, और वेस्ट साइज़ का 26 है। तो मुझे एकदम ठीक आया, लेकिन मुझे लगता है मैं अगर एम लेती तो थोड़ा और बेटर आ सकता था, लेकिन ठीक था, थोड़ा फिटिंग आ रहा था बट ओके था। लेकिन पहना हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप इसे भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, या फिर आपके घर में शादी का फंक्शन हो, मेहंदी वगैरह का फंक्शन हो, तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। बहुत ही प्यारा लगेगा पहनावा। मैंने एक ईयरिंग्स को सारे ड्रेसेस के साथ पहन लिया। आप चाहो तो चेंज, आप कुछ डिफरेंट पहनना, लाइक इसके ऊपर आप कुछ स्टर्ट भी पहन सकते हो, या फिर कोई झुमका टाइप का भी पहन सकते हो, गले में भी पहन सकते हो, अपने हिसाब से इसे स्टाइल करना। बहुत अमेजिंग लगेगा पहनावा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई साड़ी।
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है गाइस ये येलो कलर का साड़ी, ये भी आपको रेडी टू वियर साड़ी है, इसके अटैच ब्लाउज आएगा। इन साड़ी भी बहुत ही प्यारा है, आपको दिखाती हूँ किस तरह का साड़ी है ये। आपका ये बैक साइड से मैक्सी ड्रेस जैसा लगेगा एंड फ्रंट में इस तरह से है, ये ऊपर का इसका ब्लाउज आएगा एंड आपका यहाँ पे ये ड्रेप पैटर्न में इसका नीचे का पोर्शन आएगा एंड ये साड़ी का पल्ला आएगा इधर से, ये साड़ी का पल्ला है एंड आपको वैसे ही लेना है जैसे मैंने सब मिल गया है। आप चाहो तो इसे प्लीट्स भी बना सकते हो एंड चाहो तो आप इसे फ्लोई भी ले सकते हो। मैंने इसे हाफ फ्लोई लिया, मतलब एक बार फ्लोई करके आधा और ऊपर टक कर लिया, मैंने प्रॉपर प्लीट्स नहीं बनाया इसका। एंड आपका ये इसका ब्लाउज आपका स्लीवलेस आएगा एंड इसमें कोई स्लीव्स नहीं दिया हुआ है एंड इसके ब्लाउज में पूरा ये सुरोस्की का वर्क किया हुआ है इस तरह का गोल्डन कलर में एंड साइड में इसमें जिप दिया हुआ है, आप जब पहने तो उसे खोल के पहनना ताकि घुसाने में कंफर्टेबल होगा। एंड इसका लेंथ आपका नॉर्मल लेंथ है, मुझे नॉर्मल आया है, बाकी अगर आपका हाइट अच्छा होगा तो आपको एंकल भी आ सकता है इसका लेंथ। एंड इस पर मैंने इयररिंग्स चेंज किया था, मैंने इस पर येलो कलर का पहना था, फिर मेरा इस येलो कलर का स्टार्ट था तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था गाइस ये साड़ी पहना हुआ। एंड इसका MRP ये भी आपका 3600 का है एंड मैंने इसका स्मॉल साइज ऑर्डर किया था, मुझे साइज एकदम परफेक्ट आया। तो गाइस आप इस तरह का साड़ी भी मंगवा सकते हो, डेफिनेटली फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी मंगवा सकते हो क्योंकि येलो कलर आपका फेस्टिवल में भी जाता है, और अगर आपके घर में शादी हो तो आप इसके अकॉर्डिंग मंगवा सकते हो, शादी में आप हल्दी में पहनने के लिए काफ़ी स्मार्ट लग रहा था पहना हुआ। अगर आप स्लीवलेस पहनने में कम्फर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही प्यारा पीस है, ऐसे अपनी तरह से स्टाइल करना बहुत सुंदर लगेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है गाइस ये आपका नेवी ब्लू कलर का कोट सेट, तो ये आपका सरारा एंड शॉर्ट कुर्ती है एंड दिस वन इज फ्रॉम वीवा ब्रांड, आपको दिखाते हैं किस तरह का कुर्ती है ये। आपका इस तरह का बानी प्रिंट्स में कुर्ती आएगा ये एंड इसका मैंडरिन कॉलर है, यहाँ पे बटन्स का डिटेलिंग किया हुआ है जो कि डिटैच होगा बटन्स इसका, आई थिंक सारा बटन्स इसका डिटैच होता है। शर्ट स्टाइल में ये कुर्ती है ए लाइन शेप में एंड यहाँ पे आपका वेस्ट पे इस तरह से इसमें ड्रॉस्ट्रिंग दिया है वेस्ट को एडजस्ट करने के लिए, टाइप करने के लिए एंड 3/4 पफ स्लिप्स है इस तरह से। बैक साइड भी आपका सेम प्रिंट्स में आएगा ये कुर्ती, फ्लेयर हेम है, कर्व शेप में ये कुर्ती है एंड शॉर्ट बिलो नी लेंथ कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती है ये एंड कुर्ती का फैब्रिक आपका पॉलिएस्टर था बट पहना हुआ बहुत ही सुदिंग लग रहा था एंड काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। एंड आपका इस तरह का सॉलिड नेवी ब्लू कलर में आपका प्लाजो आएगा, फ्लेयर प्लाजो है पूरा, इस तरह से फ्लेयर प्लाजो है एंड आपका ये फुल्ली इलास्टिकेटेड है इसका वेस्ट पैंट एंड ड्रॉस्ट्रिंग दिया हुआ है आपके वेस्ट को एडजस्ट करने के लिए एंड प्लाजो का लेंथ आपका नॉर्मल लेंथ है एंड प्लाजो के अंदर लिनिंग भी आई थिंक दिया हुआ है, सॉरी प्लाजो के अंदर लाइनिंग नहीं दिया हुआ है, मुझे लगा दिया हुआ है, प्लाजो के अंदर लाइनिंग नहीं है। तो आप इस तरह का कोट सेट भी मंगवा सकते हैं फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, बहुत ही प्यारा लग रहा था पहना हुआ एंड इसका MRP दिया हुआ था 4599 एंड अभी इसमें 60% ऑफ चल रहा है तो आपको पड़ेगा 1839 रुपीज़ एंड मैंने इसका स्मॉल साइज ऑर्डर किया था, मुझे साइज का परफेक्ट आया एंड मैंने साइज का प्लाजो का आपको फैब्रिक नहीं बताया था, सैंथन फैब्रिक है इसके प्लाजो का, तो मुझे पर्सनली ये कुर्ती भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगा, कोट सेट पहना हुआ बहुत प्यारा लगा। तो आप इस तरह का भी कुछ ट्राई कर सकते हो फेस्टिवल में, क्योंकि अभी तो कपड़ा लगेगा आई थिंक सबको, तो आप कुछ इस तरह का मंगवा सकते हो एंड ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे इसका फैब्रिक इन ऑल भी बहुत अच्छा लगा एंड पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका गाइस ये मरून कलर का मैक्सी ड्रेस, या आपका साड़ी का मैक्सी ड्रेस है, तो आपका साड़ी पैटर्न में ही है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का है। आपका ये पूरा इस तरह का मैक्सी ड्रेस आएगा प्रिंटेड एंड इसमें ये गोल्डन एंड ग्रे कलर में प्रिंट्स आएगा एंड राउंड नेक है इसका, 3/4 स्लिप्स है एंड इस तरीका से इसका ड्रेप अटैच आएगा इससे, बट इसमें जो मॉडल पहनी हुई है वो राइट हैंड साइड से इसका पल्लू आके लेफ्ट शोल्डर पे गया है, बट मेरा ये ड्रेस में लेफ्ट से आके ही लेफ्ट पे गया है तो मुझे समझ में नहीं आया, या तो बनाने वाले ने गलत बना दिया इसे, बट मैंने के जैसे जैसे पहन लिया, बट पहना हुआ अच्छा लग रहा था
एंड इसके साथ ये आपका बेल्ट आएगा, डिटैच बेल्ट है, आपको मन है तो लगा सकते हो, नहीं मन है तो अदरवाइज हटा भी सकते हो। एंड बैक साइड आपका सेम प्रिंट्स में आएगा ये ड्रेस, इस सेम प्रिंट्स में एकदम। एंड इसके फ्रंट में इस तरह से प्लीट्स भी बना हुआ है जैसे साड़ी में बना होता है, तो आपका इस तरह का प्लीट्स पैटर्न में आएगा ये। तो गाइज ये वाला ड्रेस वैसे मैंने जितना ड्रेस मंगवाया था सारे के सारे न्यू कलेक्शंस में से था, बट ये आपका न्यू कलेक्शंस में नहीं था। एंड 100+ लोगों ने इसे ले चुका था, रिव्यू अच्छा था तभी मैंने मंगवाया, तो मुझे अच्छा लगा ये ड्रेस भी, उस सबके कंपेयर थोड़ा कम अच्छा लगा बट मुझे अच्छा लगा ये ड्रेस। एंड मुझे वो सब ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, तो आप इस तरह का ड्रेस भी मंगवा सकते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ मैक्सी ड्रेस में कुछ साड़ी पैटर्न में पहनना है तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, पहनावा काफ़ी अमेजिंग लग रहा था। तो गाइज मैंने इतना ही ड्रेस मंगवाया था, आई होप आप लोगों को मेरा कलेक्शन पसंद आया। मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो काइंडली आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हो। तो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।